सड़कों पर निकलता ये काफिला मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री मतलब सूबे के मुखिया। इस काफिले के पीछे उड़ती धूल में संघर्ष की एक अनूठी कहानी, क्योंकि कोई यूं ही कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंच जाता। उत्तर प्रदेश की सियासत में चमकता सितारा बनकर उभरे सूबे के मुखिया की कहानी का जन्म 49 साल पहले हुआ था, जब देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक फॉरेस्ट रेंजर के घर एक बालक का जन्म हुआ था। उस दिन गरीबी में जीवन जीने वाले उस परिवार को क्या पता था कि ये बालक आने वाले समय में देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुखिया बनेगा। सामान्य परिवार में जन्मे बालक का नामकरण हुआ और नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह की एक बड़ी बहन शशि पायल, जिनकी कहानी भी अलग है और राजनीति में कैसे ईमानदारी पनपती है वो उनसे 6 साल बड़ी बहन की कहानी है। वो कहानी भी आपको बताएंगे। अजय सिंह बिष्ट 7 भाई बहन थे, पिता फॉरेस्ट रेंजर थे, रिटायर होने वाले थे, अजय सिंह बड़े हो रहे थे। ১৯৭২ में मौसम भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। बारिश और धूप के बीच मौसम आंख मिचौली खेल रहा होगा, क्योंकि पंचूर गांव में उसी दिन हलचल देखी गई थी। और ये बात कोई साधारण सी बात नहीं, क्योंकि वहां पर किसी साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि जन्म हुआ था अजय सिंह का, जो आने वाले समय में सियासत में आंधी बनकर उभरने वाले थे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के बीच अजय सिंह बड़े हो रहे थे। पौड़ी के विद्यालय में अजय सिंह बिष्ट शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अजय सिंह परिवार, गांव, दोस्त यार सब कुछ छोड़कर दूर जाने वाले हैं। अजय सिंह के पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी से रिटायर हो चुके थे और अब वो गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत बन चुके थे। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, हवाओं में भी सामान्य हलचल थी, पहाड़ों को भी कुछ खबर नहीं थी कि अब आगे जो कुछ होने जा रहा है वो अजय सिंह का नाम बदल देगा और बदल देगा सियासत की पुरानी तस्वीरें। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और जो लोग अजय सिंह को बचपन से जानते हैं वो कहते हैं कि अजय सिंह बचपन से ही अलग थे, सबसे अलग। उनमें बालकाय से ही कुछ खूबियां थी जो छिपाने पर भी छिप नहीं पाती थी, और लोग दबी जुबान से कहते थे कि ये बालक जरूर कुछ बड़ा करेगा। गांव के बड़े बूढ़े अपनी धुंधली निगाहों से जब भी अजय सिंह को देखते थे तो बातचीत में कहा करते थे, ये बालक जरूर कुछ ऐसा करेगा जिसे देखकर सब अचंभित हो जाएंगे। संस्कार और स्वभाव, यही वो आदतें हैं जो लोगों को भीड़ से अलग करती हैं। वहां के बड़े बूढ़ों का यही कहना था कि अजय सिंह में कुछ तो अलग है जो सबसे अलग है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। संस्कारों की धरोहर समेटे अजय सिंह निकल पड़े थे, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था और वो आगे बढ़ निकले थे। संन्यास लेने के करीब 4 साल बाद अवैधनाथ ने योगी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। योगी गोरखनाथ मंठ के महंत बन गए। महज 26 साल की उम्र में 1998 में वह गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद वह लगातार 2017 तक 5 बार यहां से सांसद रहे। पूर्वांचल की कई अन्य सीटों पर भी उनका रसूख बनते चला गया। बाद में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत हासिल की तो सीएम पद के कई दावेदारों के नामों की चर्चा हुई और अंत में बाजी लगी योगी के हाथ।
पीएम मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योगी को यूपी की कमान सौंपी तो हर कोई हैरान भी रह गया, क्योंकि योगी के नाम की पहले काफी कम चर्चा हो रही थी। उस दौरान एक विदेशी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में योगी ने खुद को अपने सीएम बनने की कहानी बयां की थी। योगी ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं यूपी का सीएम बनूंगा और ना ही किसी दौड़ में शामिल था। रिजल्ट के एक दिन पहले मुझे विदेश जाना था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का कॉल आता है कि आपको एक डेलीगेशन के साथ विदेश जाना है, वहां आपकी बड़ी डिमांड है। तब मैंने कहा कि मैं विदेशी दौरे पर बहुत जाता नहीं हूं, तो उन्होंने कहा कि पोर्ट ऑफ लुइस में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। योगी इंटरव्यू में आगे बताते हैं, 11 मार्च को नतीजे आने थे तो 10 मार्च को मुझे सूचना मिली कि पीएमओ ने मेरी पासपोर्ट वापस ले लिया है। इसके बाद अगले दिन मैंने गोरखपुर की टिकट बुक की और वापस आ गया। 17 मार्च को पीएम का फोन आता है कि कहां हैं आप? मैंने कहा, मैं तो गोरखपुर में हूं। तो उन्होंने कहा कि कैसे तुरंत आ सकते हैं? मैंने कहा, अभी तो आ नहीं सकता हूं क्योंकि 6 बज चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुबह आपके लिए चार्टर प्लेन भेज रहा हूं। अगले दिन मैं उससे दिल्ली चला गया। जैसे ही गया तो उन्होंने कहा कि आप सीधे लखनऊ चले जाइए, आपको शपथ लेनी है। मैंने कहा कि काहे की? तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया की, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विद्यार्थी परिषद के समारोह का वो भाषण था जो सब कुछ स्वामी अवैधानंद सुन रहे थे। वो बड़ा प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये शख्स कौन है जो इतने तेजस्वी भाव के साथ भाषण दे रहा है। और उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस वक्त तक योगी आदित्यनाथ नहीं थे, वो अजय सिंह बिष्ट थे। और इस मौके पर उन्होंने उनसे कहा कि तुम गोरखनाथ आओ और मुझसे मिलो और मुझसे मुलाकात करो। और इसके साथ ही शुरुआत होती है अजय सिंह के योगी आदित्यनाथ बनने की। विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में देश भर से आए छात्र अपनी अपनी बात का संबोधन कर रहे थे। कार्यक्रम में तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। विद्यार्थी परिषद के एक छात्र अजय के संबोधन ने महंत अवैधनाथ को प्रभावित किया। महंत अवैधनाथ ने लड़के को पास बुलाकर पूछा, कहां से आए हो? और लड़के को गोरखपुर आकर मिलने को कहा। लड़का उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर से आया था। महंत भी उत्तराखंड के ही रहने वाले थे और उनका गांव भी लड़के के गांव से महज 10 किलोमीटर दूर था। ऐसा नहीं था कि अजय उर्फ योगी के भाषण सुन सिर्फ महंत ही उनसे प्रभावित थे, प्रभावित तो योगी आदित्यनाथ भी थे महंत अवैधनाथ से। इसीलिए तो महंत के एक बुलावे पर उनसे मिलने उत्तराखंड से गोरखपुर चले गए। लेकिन इस बार योगी यहाँ रुकने के लिए नहीं आए थे, कुछ दिन रुके और फिर अपने गांव लौट गए। वापस जाकर ऋषिकेश के ललित मोहन शर्मा कॉलेज में एमएससी में दाखिला लिया, पर मन तो गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ की तपस्थली में घूम रहा था। इसी बीच महंत अवैधनाथ बीमार पड़ गए और योगी उनसे मिलने पहुंचे। महंत अवैधनाथ उस समय दिल्ली एम्स अस्पताल में हृदय रोग विभाग में इलाज करवा रहे थे। महंत ने संक्षिप्त निद्रा में अपनी आंख खोली तो योगी को सामने खड़ा पाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व से महंत अवैधनाथ इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद योगी गोरखनाथ मंदिर में ही रहने लगे। पहली बार गोरखनाथ मंदिर पहुंची मां ने जब अपने बेटे को सन्यासी की वेशभूषा में देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। और वहां पर उस वक्त मौके पर महंत अवैधानंद मौजूद थे। उन्होंने मां को समझाया कि योगी आदित्यनाथ पर किसी तरह का कोई पहरा नहीं है, कोई दबाव नहीं है, वो जब चाहे घर जा सकती है और जब चाहे उनके माता जी यहाँ उनसे मिलने आ सकती हैं, उनका स्वागत है। और इस दौरान इस भावुक पल में योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मन के ज्वार को समेट कर अपने तक ही सीमित रखा। पहली बार वो सुबह आई
जब उनकी माँ उनसे मिलने गोरखनाथ मंदिर पहुंची, बेटे को सन्यासी वेश में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बार पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ यहीं पर मौजूद थे। उन्होंने माँ को समझाया कि योगी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह जब चाहे आप लोगों के पास जा सकता है और आप भी जब चाहे यहाँ आ सकती हैं, रह सकती हैं, आपका सदैव स्वागत है। माँ को भावुक देख योगी भी भावुक हुए, परंतु मन के ज्वार को समेट कर रखा और मंदिर से विदा करते समय माँ से कहा, छोटे परिवार से बड़े परिवार में मेरा एक सन्यासी के रूप में मिलन है, उसी रूप में जीवन जी रहा। 4 वर्ष बाद योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी के वेश में पंचूर की पहली यात्रा की, लेकिन वह यात्रा अपने परिवार को देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए नहीं थी। आदित्यनाथ को अपने माता पिता से सन्यासी के रूप में भिक्षा लेकर सन्यासी जीवन का एक महत्वपूर्ण विधान पूरा करना था। माँ बाप ने भी अपना फर्ज निभाते हुए अपने सन्यासी पुत्र को यथोचित भिक्षा के रूप में चावल, फल और कुछ सिक्के भेंट कर दिए। अब योगी आदित्यनाथ का स्थायी ठिकाना गुरु गोरखनाथ मंदिर हो गया था। योगी अपने गुरुदेव की सेवा के साथ साथ योग और आध्यात्मिक शिक्षा भी ले रहे थे। इसी बीच विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ता कामेश्वर सिंह और डॉक्टर प्रदीप राव महंत अवैधनाथ से मिलने पहुंचे। उन लोगों ने बताया कि उनको विद्यार्थी परिषद के कोटद्वार शाखा के एक कार्यकर्ता राम स्नेही ने बताया कि उनका एक कार्यकर्ता गोरखनाथ मंदिर कुछ अध्ययन के लिए गया है, हमें उनका सहयोग करने को कहा है क्योंकि वह इस शहर के लिए नया है। योगी अब माहौल में घुलने मिलने लगे, लोगों के साथ संवाद होने लगा। इसी बीच योगी आदित्यनाथ को योगी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नाथ पंथ की दीक्षा के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा था। यह बात अलग थी कि छात्र जीवन से ही अनुशासित दिनचर्या का पालन करने की वजह से योगी के लिए ये कोई बहुत कठिन साधना नहीं थी। सन्यासी जीवन में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को अपना अंतिम संस्कार करना पड़ता है। यह पूर्व जीवन से मुक्ति और नए जीवन का प्रतीक होता है, इसीलिए योगी राख का प्रयोग करते हैं। यह राख दुनिया के लिए मृत्यु का प्रतीक होती है। राख शमशान का आधार होती है। यह संकेत देती है कि शरीर को अंततः राख में बदल जाना है। इसका लक्षण है कि योगी ने सांसारिकता का त्याग कर दिया है। दंगों की आग में जूझते प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से मलहम लगा दिया था। अब प्रदेश में दंगे जैसे गायब हो चुके थे और जो दंगा करने की सोचते थे उनकी तस्वीरें विराजमान रहती थी चौराहों पर। ऐसे ही कुछ कठिन फैसले लेकर मुख्यमंत्री एक सफल मुख्यमंत्री की लिस्ट में शुमार हो गए और आज तक वो सबका साथ सबका विकास है जैसे नारे को साथ लेकर चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर है। अवैधानंद के कद पर चलते हुए 22 साल का युवा गोरक्षापीठ मंदिर के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था। इसके भी अपने नुकसान और खतरे थे। यह संयोग ही था कि उत्तराधिकारी घोषित होने के महज 1 महीने बाद योगी आदित्यनाथ प्रताप आश्रम के छात्रों के साथ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध करने के लिए परिसर से बाहर निकले थे। उस समय अवैधनाथ संसद सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे। वह जब भी बाहर रहते तो उस समय अपने शिष्यों पर विशेष नजर रखते थे। महंत अवैधनाथ हमेशा योगी के साथ अपने विश्वास पात्रों को रखते थे। वो उनसे कहते थे कि छोटका बाबा तनिक उग्र है, उनका ध्यान रखिएगा। योगी आदित्यनाथ की सीखने की शक्ति और सन्यासी जीवन में ढलने की क्षमता उल्लेखनीय थी, लेकिन सीखने की उनकी कोशिशों को जल्द ही झटका लगा। एक बार योगी जब जोंगा वाहन चला रहे थे तो गाड़ी पेड़ से टकरा गई और योगी बुरी तरह से घायल हो गए। योगी को काफी दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस बीच गोरखनाथ मंदिर में रोजाना लगने वाले जनता दरबार को योगी ने अपने हाथ में लिया। ये दरबार गोरखपुर के लोगों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही चर्चाएं फैलने लगी कि कैसे महंत ने जमीनी विवाद हल कर दिया है या फिर चुटकियों में वैवाहिक मामलों का निपटारा हो गया, तो लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं के अंबार लेकर वहां पहुंचने लगे। गोरखनाथ मंदिर में कोई भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ पहुंच सकता था। गोरक्षापीठ में योगी का जीवन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था।
यद्यपि आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे उठ जाते, अगर कभी उठने में देर हो जाती तो उनके दरवाजे पर बड़े महाराज की घड़ी की खटखटाहट सुनाई देने लगती। अवैधनाथ मंदिर के भ्रमण के दौरान योगी को अपने साथ रखते और हर शाखा, विद्यालय, कॉलेज, आयुर्वेद अस्पताल, विश्राम गृह, भंडारा आदि की जानकारी देते। भंडारे में दिन में 2 बार 500 से अधिक लोगों को भोजन कराया जाता था। इसमें मंदिर के कर्मचारियों, भक्तों, आगंतुकों का स्वागत किया जाता था। गोरखपुर मंदिर के इसी भंडारे में योगी ने ऐसा सबक सीखा जिसे वह जीवन में कभी नहीं भूल पाते। एक बार मंदिर में कई श्रद्धालुओं ने जूते चप्पल चोरी होने की शिकायतें की। मठ के कर्मचारियों ने बताया कि इस चोरी के पीछे आसपास के मुस्लिम इलाकों के बच्चों का हाथ है। एक शाम योगी भंडारे का निरीक्षण कर रहे थे तो मुस्लिम लड़कों का एक समूह पंक्ति में बैठा था। उन्हें बताया गया कि ये भोजन करेंगे और दूसरों की चप्पल पहनकर चल देंगे। योगी ने देखा और बोले, यहाँ कैसे, चलो भागो यहाँ से। जैसे ही लड़के निकलने लगे, इतने में महंत अवैधनाथ ने योगी को अपने पास बुला लिया। महंत ने पूछने पर योगी बोले, शरारती बच्चे यहाँ जूते चप्पल चुराते हैं। तो महंत बोले, फिर क्या हुआ, वे आपके मेहमान थे, भंडारे से किसी को भूखा नहीं लौटना चाहिए, जाइए और उन्हें वापस लेकर आइए। योगी उन बच्चों को वापस भंडारे में बुलाकर प्यार से खाना खिलाने लगे। योगी आदित्यनाथ की व्यवहार कुशलता, उनके बड़े फैसले लेने की प्रवृत्ति, अपराधियों के प्रति उनका सख्त रवैया और कुशल नेतृत्व का कायल हर वो शख्स होगा जो उन्हें करीब से जानता होगा। उनका कुशल नेतृत्व उत्तर प्रदेश के 4.5 साल का कार्यकाल बताने के लिए काफी है। विरोधियों ने उनको हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर घेरने की हर कोशिश की, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास के नारे पर अड़िग रहे। उन्होंने कभी भी अपने पुराने विवादों को फिर मुड़कर नहीं देखा और उत्तर प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में से एक बन गए। दंगों की आग में जूझ प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों से बचाने का काम किया। विपक्षी पार्टियों में राजशाही का जीवन जी रहे माफियाओं को जेल के पीछे भिजवा दिया। सालों से दीमक की तरह इस राज्य को चूस रहे आतंक का पर्याय बने अपराधियों की गाड़ियां पलट कर रख दी और इस तरह उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ हमेशा गतिमान रहे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में मात्र 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में आज का आवाज का स्पेशल एडिशन सिर्फ इसलिए था आपको संघर्ष की वो दास्तान सुनाने के लिए, आपको वो सफर दिखाने के लिए कि जहां से एक सामान्य से घर में जन्मा एक युवा अजय सिंह बिष्ट कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गया, कैसे शख्स ने एक प्रदेश की तस्वीर को बदल कर रख दिया और कैसे यहां पर सियासत में इतनी बड़ी खलबली ला दी। ये वो तस्वीरें थी, और या फिर मैं कहूं कि तस्वीरों का वो संग्रहालय था जिसके सजरिए हमने आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एक सामान्य घर का युवक आज एक प्रदेश का मुखिया बन गया है और इस मुखिया ने कैसे सबको साथ लेकर, सबको आगे बढ़ाकर कैसे इस प्रदेश को एक तरक्कीनुमा प्रदेश में शुमार कर दिया है। हम हर चीज में आगे हैं, हम वैक्सीनेशन में आगे हैं, अपराध को कंट्रोल करने में आगे हैं, शिक्षा में आगे हैं और तमाम वो अपराधी वाली चीजें जो इस देश में इस प्रदेश का नाम खराब करती थी, वहां माफियाओं को टिकट मिलता है, वहां अपराधियों को संरक्षण मिलता है, इन जैसी चीजों पर गाड़ी पलट कर इन चीजों की लुटिया पलटती। और ऐसे में आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है और हम ये शुभकामनाएं देते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष की अपनी खुद को कहानी को एक सफल मुकाम दिया है, वैसे ही हमारे संघर्षशील उत्तर प्रदेश को एक सफल प्रदेश बनाएंगे, एक विकासशील प्रदेश बनाएंगे और हमारे प्रदेश को विकसित करने में हमेशा यूं योगदान देते रहेंगे। आज की आवाज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक नई सीरीज के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई आवाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।